दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का दूसरा प्रधानमंत्री ताशकंद जाता है, वॉर ट्रीटी पर साइन करता है और मर जाता है। सैकड़ों सस्पिशंस होते हैं, लेकिन एक इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठता है। शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिख है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। We want to know शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था? Was it a heart attack or was it a state-sponsored murder? लोग सच नहीं, सच की कहानी सुनना पसंद करते हैं। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उस दिन शास्त्री जी को उस थर्मस में दूध किसने दिया था? क्या उसमें जहर था? उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बेल या बजर था ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? शास्त्री डाइड ऑफ अ हार्ट अटैक, एवरीथिंग एल्स इज अ लाई। लाल बहादुर शास्त्री का केस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कवर अप है। अरे शास्त्री जी क्या खुशखबरी लेके आ रहे थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा। उस टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वेटरन लीडर्स ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की, तो वो मांग पूरी क्यों नहीं हुई? एक प्रधानमंत्री को जहर दे दिया जाता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो जाता है, बॉम्बे में ब्लास्ट। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। इस कमेटी का मकसद सच जानना नहीं बल्कि एक झूठ क्रिएट करना है, क्योंकि सच जानने का करेज आप में से किसी में है ही नहीं। 125 करोड़ के लिए क्या सही है क्या गलत, ये चॉइस करने के लिए करेज की जरूरत होती है। लुटियंस दिल्ली पे कब्जा, यानी पूरे देश पे कब्जा। विजिट पाकिस्तान, विजिट केजीबी, सच क्या है? क्या वो कौन था जिसने भारत के माथे पे लिख दिया दैट इंडिया वाज फॉर सेल? अभी सिर्फ शास्त्री जी के बारे में नहीं, एक सिटीजन के राइट के बारे में है, माय राइट टू ट्रू। सत्य और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है। शास्त्री जी का क्यों नहीं? कौन कहता है कि मरे हुए पीएम से किसी का फायदा नहीं होता?